सभी को नमस्कार, मैं अमित तिवारी। दोस्तों, क्या आप सभी के साथ ऐसा हो चुका है, आप बस में बैठे हो और आपको कहीं जाना है, वह स्थान आ भी जाता है तो आप गाड़ी को रुकवा भी नहीं पाते हो और बोल भी नहीं पाते हो कि भैया गाड़ी रोकिए, मैं उतरने वाला हूँ। मेरे साथ तो बहुत हो चुका है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और सॉल्यूशन भी बताऊँगा। और कृपा करके पूरी वीडियो देखिएगा, लंबी वीडियो बन सकती है। जब मैं कहीं जाता था बस में बैठ करके, मेरा स्थान आता था, मैं कंडक्टर साहब से ये भी नहीं बोल पा रहा था भैया गाड़ी रोकिए, मेरा स्थान आ चुकी है। और अपने बगल पे बैठे बंदे से ये नहीं पूछ पा रहा था कि यह स्थान आने के लिए कितना समय लग सकता है, जिसकी वजह से मेरा बहुत लॉस जाता था। और बस वाला भैया तो 2-3 किलोमीटर जहाँ पे स्टॉप होती थी वहीं रोकता था, और जिसकी वजह से मैं अपने स्थान पे आने के लिए मुझे फिर वापस आना पड़ रहा था 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक में 5 किलोमीटर तक मैं चलता था। अंदर से टूट जा रहा था, दिल बिल्कुल दुखी हो जा रहा था, आंखों में आंसू, होठ सूख जा रहे थे मेरे, अपने आप पर बहुत शर्म लग रही थी, गिल्ट फीलिंग हो रहा था। और कभी कभी भगवान को भी बहुत कुछ बोलता था कि भगवान मैं ही मिला था ऐसा तकलीफ देने के लिए, ज्ञान तो आपने दे दिया लेकिन बोलने की शक्ति आपने नहीं दिया। बहुत तकलीफ होती थी दोस्तों। जितने भी स्टैमरिंग के लोग होते हैं ना, बहुत ही भावनात्मक रहते हैं, इमोशनली रहते हैं, संवेदनशील होते हैं, वो किसी को ना नहीं बोल पाते। वो कुछ भी जरूरी काम करते भी होंगे ना, अगर उनका कोई दोस्त आ जाए तो बोलेंगे भैया मार्केट में चल, तो तैयार भी हो जाएंगे, वह ना भी नहीं बोलेंगे कि मेरा जरूरी काम है। अपना घाटा कर लेंगे लेकिन दोस्तों को ना नहीं बोल पा। हम दूसरे की फीलिंग के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, और इस वजह से यह समस्या आ रही है कि आप बस में बैठते हो और दूसरों की फीलिंग के बारे में सोचते हो कि बस रुकवाऊंगा तो अटक जाऊंगा, वो क्या सोचेगा, बगल वाला क्या सोचेगा, कंडक्टर क्या सोचेगा, ड्राइवर क्या सोचेगा, हो चुका आपका। अलार्म बज गया 1 मिनट। दोस्तों तबीयत कुछ नरम है, मेरा डाउन है, लेकिन अच्छा लगता है अपनी बात को शेयर करने में। आपको बिंदास बनना पड़ेगा, किसी की फीलिंग के बारे में मत सोचिए। आपके घर कोई दोस्त आ जाए, आपको कहे कि भैया यहां पे जाना है, सीधा मना कर दो, मैं जरूरी काम है मेरा, अब तो मैं ऐसे ही बन गया हूं। किसी का भी फोन आता है, कोई कहता है कि भाई यहां चलना है, ना तो ना, मेरा काम है, मैं स्पीच थेरेपी क्लास दे रहा हूं, बोल दे तो बिंदास, पहले मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था, तो ना तो ना। बस में बैठा रहता हूं, स्थान आ गया, चिल्ला कर बोलता भैया रोको गाड़ी, खुलकर हकलाना सीखो, निडर हो जाओ। जब आप बिंदास रहोगे तो ये तकलीफ नहीं आएगी। दूसरे की फीलिंग के बारे में छोड़िए, बिंदास रहिए। जब बिंदास रहेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा शब्द निकलेंगे, शब्द निकलेंगे, यही आपकी आदत बनती। दोस्तों अपने मन को मजबूत बनाइए और निडर होके चलिए। और यह रहा मेरा एक्सपीरियंस, और सॉल्यूशन यही है दोस्तों, बिंदास बोलिए। ज्यादा स्टैमरिंग को ठीक करने का जानकारी इकट्ठा नहीं करना है, बिंदास हो जाइए, और हो सके तो ट्रेनिंग भी ले लीजिए।
बहुत लोग YouTube से बहुत सारा वीडियो देख लेते हैं, ऐसा लगता है कुछ नई जानकारी मिल जाए। कुछ नई जानकारी नहीं मिलेगा, बोलने की समस्या है, बोलने से ही जाएगा, प्रैक्टिकल करना होगा। जो जानकारी इकट्ठा कर लिए हो उसके ऊपर काम करिए। इसीलिए स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है सभी को। स्पीच थेरेपी में मैं सभी को प्रैक्टिस ही करवाता हूँ, उसकी आदत दिलवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी काम की लगी ना तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट पूछिए, जो भी प्रश्न हो आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। सभी का मंगल होगा।